हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को वेरिग्नन थ्योरम पढ़ाऊंगा, जो कि हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कभी तो इसको प्रूफ करने के लिए पूछ देता है, कभी इस पर न्यूमेरिकल पूछ देता है। ठीक है, आते हैं, वेरिग्नन थ्योरम है क्या। वेरिग्नन थ्योरम कहता है कि दो या दो से अधिक फोर्स के कारण किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट का समेशन उस फोर्स के रिजल्टेंट के कारण उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के इक्वल होता है। मान लेते हैं कि दो फोर्स P1 और P2 है और उसका रिजल्टेंट आ रहे हैं। P1 का इंक्लाइनेशन θ1, P2 का θ2 और रिजल्टेंट का θ है। P1 और P2 के कारण A के अबाउट मोमेंट का समेशन R के द्वारा A के अबाउट मोमेंट के इक्वल होगा। ठीक है ना, आते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मोमेंट होता क्या है। मोमेंट होता है रोटेटरी इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है ना, इसको इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले आते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1, P2 और R का पॉइंट A से क्या होता है, क्या है। मान लेते हैं A से P1 पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ए बी है, ए से आर पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ए सी है। मान लेते हैं इसको डी है, और ए से P2 पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर सी है। ठीक है ना, तो आते हैं ये एंगल सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इधर से वर्टिकल के साथ इन फोर्स द्वारा बना हुआ एंगल कितना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि P1 द्वारा हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल θ1 है, तो P1 के कारण वर्टिकल के साथ बना हुआ एंगल ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल OAB में ये एंगल अपना है 90 माइनस θ1, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1। इसी प्रकार से ये वाला एंगल P2 द्वारा बना हुआ एंगल θ2 हो जाएगा, और रिजल्टेंट द्वारा बना हुआ एंगल θ हो जाएगा वर्टिकल के साथ। मान लेते हैं AB का डिस्टेंस D1 है, AC का डिस्टेंस D2 है, और AD है। ठीक है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी D1, D2 और D का वैल्यू एंगल के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, आते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग देखते हैं cos θ1 क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है D1, हाइपोटेनस है OA, यानी D1 का वैल्यू हो गया OA cos θ1। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल OAC में क्या हो जाएगा, cos θ2 का वैल्यू D2 बाय OA, यानी D2 इक्वल टू हो जाएगा OA cos θ2। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल OAD में cos थीटा हो जाएगा D बाय OA, यानी D इक्वल टू OA cos थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग एंगल के फॉर्म में फाइंड आउट कर चुके हैं, और फोर्स तो अपना P1, P2 और रिजल्टेंट है ही। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ P1, P2 और रिजल्टेंट R के कारण A के अबाउट निकालते हैं। देख लेते हैं मोमेंट ऑफ P1 अबाउट A, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म में देख लेते हैं क्या है। मोमेंट ऑफ P1 अबाउट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है P1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है। D1 का वैल्यू हम एंगल के फॉर्म में फाइंड आउट कर चुके हैं, OA cos θ1। इसी प्रकार से मोमेंट ऑफ P2 अबाउट
about A, that is moment of P2 about A equal to P2 into D2. P2, D2 ka value OA cos theta 2 find out kar chuke hain. Ab nikalte hain resultant ke karan A ke about moment. Moment of resultant about R, that is moment of resultant about A equal to resultant into perpendicular distance. Perpendicular distance D nikal chuke hain iska value R, D ka value nikale hain OA cos theta. Isko equation number 1, isko 2, isko equation 3 maan lete hain. Ab dekhte hain कि P1 और P2 के कारण A के अबाउट मोमेंट का समेशन, ठीक है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दैट इज मोमेंट ऑफ P1 अबाउट A प्लस मोमेंट ऑफ P2 अबाउट A इक्वल टू कितना हो जाएगा दोनों का समेशन, P1 OA cos थीटा 1 प्लस P2 OA cos थीटा 2. यहां से OA कॉमन ले लेते हैं, OA OA बच जाएगा यहां P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2. यहां पर एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि दो फोर्स है हमारे पास P1 और P2 और इसका रिजल्टेंट R है. P1 का इंक्लिनेशन थीटा 1, P2 का इंक्लिनेशन थीटा 2 है और रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन थीटा है. तो देख लेते हैं कि P1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, P1 cos थीटा 1, P2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P2 cos थीटा 2 होगा. P1 और P2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा. रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायग्राम से देखिए क्या होता है, इंक्लिनेशन थीटा है तो r cos थीटा हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ P1 प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ P2 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट. रिजल्टेंट का ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ P1 प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ P2. तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके बदले में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट यानी r cos थीटा, ठीक है. अब देख लेते हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, r को आगे कर लो OA cos थीटा. OA cos थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट A, that is D. अब resultant into perpendicular distance है यहाँ, तो क्या कह सकते हैं कि moment of resultant about point A, that is moment of resultant about A. यही proof करना था आपको, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि moment of force A, moment of force P1 plus moment of force P2 about point A is equal to moment of resultant about point A, ठीक है ना? यही प्रूव करना था वेरिग्नन थ्योरम में, ठीक है ना? ओके बाय.